कुछ टर्म्स इंटररिलेटेड है, जैसे कि गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स होते हैं आपके फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड, फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड। कोई भी चीज जो आपने खरीदी है बेचने के लिए। अगर मैं आइसक्रीम वेंडर हूं तो जो मैं आइसक्रीम खरीद रहा हूं बेचने के लिए, मेरे लिए आइसक्रीम हो गए गुड्स। मेरी स्टेशनरी शॉप है, मैंने स्टेशनरी आइटम पेन पेंसिल इरेजर रजिस्टर बुक्स खरीदी बेचने के लिए। एनीथिंग परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, वो होते हैं आपके गुड्स। होता ना परचेज गुड्स फॉर ₹50,000, इसका मतलब कोई आप ऐसी चीज खरीद रहे हो जो आप आगे बेचने के लिए खरीद रहे हो। अगर मेरी स्टेशनरी की दुकान है, स्टेशनरी की दुकान में मैंने एयर कंडीशनर लगाया ऑफिस के लिए, क्या वो गुड्स की कैटेगरी में आएगा? यस यस और सर। नो? नो सर। यस और नो? नो सर। नो सर। किसने बोला था यस? वेदांश ने बोला था यस। यस सर। बेटा क्या एयर कंडीशनर भी बेच दोगे? बाय 10 पेंस गेट एयर मतलब कंडीशनर फ्री। बेचेंगे नहीं, लेकिन वो है तो एक तरीके से बिजनेस के लिए। हाँ, तो यही तो समझना है कि बिजनेस के लिए खरीद रहे हो वो क्राइटेरिया नहीं है, आप खरीद रहे हो बेचने के लिए। अगर मैंने कोचिंग सेंटर में फर्नीचर लिया, बिजनेस के लिए लिया यस सर। या बेचने के लिए? वो बिजनेस के लिए। अपने ओन यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए, बेचने के लिए तो नहीं। तो वो सेपरेट कैटेगरी में वो कहाँ चले जाते थे? एसेट्स में। एसेट्स हम कर चुके हैं, यस सर। तो जो फर्नीचर खरीदा है ऑफिस यूज के लिए वो फर्नीचर अकाउंट में चला जाएगा। जो फर्नीचर खरीदा है बेचने के लिए, अगर मैं फर्नीचर डीलर हूं तो मैं चेयर खरीदूं, टेबल खरीदूं, बेड्स खरीदूं, कुछ भी खरीदूं, पर्पस क्या है? बिजनेस यूज या सेलिंग? सेलिंग। एनीथिंग परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, वो गुड्स की कैटेगरी में आएगा। रविशा आपकी आवाज ओके आनी सर। शुरू हो गई है, कुछ करा आपने? ठीक नो सर। है, थोड़ा सा लाउड हो गया आपकी वॉल्यूम। ओके, गुड्स परचेज फॉर रीसेल, तो क्राइटेरिया क्या है फॉर रीसेल और फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट? मैन्युफैक्चरिंग मतलब अगर आप रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हो, अगर आप रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हो तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जांपल, आपने वेजिटेबल्स खरीदी, परचेज्ड बाय अ रेस्टोरेंट। अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है, आपने वेजिटेबल्स खरीदी, तो एक तरह से आपका रॉ मटेरियल है, उससे आप खाना बना के आगे बेचोगे, तो ये रेवेन्यू बेचने के लिए तो खरीदी। यस और नो? यस सर। तो कोई कार मैन्युफैक्चरर है, कार डीलर है, मारुति होंडा, तो उन्होंने टायर्स परचेज करे, गाड़ी में असेंबल करेंगे और फिर पूरी की पूरी गाड़ी बेच देंगे। तो गाड़ी के लिए टायर्स खरीदे उन्होंने, वो रॉ मटेरियल है उनका। विंडशील्ड खरीदी, वो रॉ मटेरियल। तो एनीथिंग परचेज फॉर रीसेल और फॉर मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश प्रोडक्ट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ गुड्स। गुड्स आर फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज और मैन्युफैक्चर्ड टू बी सोल्ड। द टर्म अप्लाइज टू ऑल द आइटम्स मेकिंग अप सेल्स और परचेजेस ऑफ अ बिजनेस। कुछ भी हो सकता है, बट क्या? बेचने के लिए। अगर मैं कार्स बना रहा हूं, मारुति के लिए मोटर व्हीकल्स गुड्स होंगे या एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स? मारुति, रिपीट करना। मारुति है, मारुति सुजुकी, उनके लिए हाँ जो मोटर व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, वो उनके गुड्स की कैटेगरी में आएगा या नॉन करेंट एसेट्स में? सब गुड्स। गुड्स के लिए। अब मैं ऑफिस चला रहा हूं, ऑफिस में मेरे 5 गाड़ियां खरीदी खड़ी हुई हैं, वो बेचने के लिए नहीं, वो बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन कम्यूटिंग के लिए है, तो वो क्या वो गुड्स की कैटेगरी में आएंगे? तो नो सर। नो सर। ये समझ आ गया कि गुड्स की कैटेगरी में क्या आएगा? यस एनीथिंग सर। Which has been purchased or manufactured for the purpose of resale or selling to the public. So, they are stock in trade of an enterprise. जिस चीज में आप डील करते हो, जो सामान आपके पास पड़ा है बेचने के लिए, purchased और manufactured with the purpose of selling. तो कीवर्ड क्या है? Resale, selling. For an enterprise dealing in home appliances such as TV, fridge, etc. All these are goods, and for stationery items are goods. So anything purchased for the purpose of resale
क्या होते हैं हमारे लिए? गुड्स। अब ध्यान से देखना, जब हम गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स क्या है वो क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई भी डाउट कि गुड्स क्या होंगे? नो सर। ओके, गुड्स क्लियर है, आगे चलते हैं। परचेजेस, परचेजेस अकाउंट कब क्रिएट होगा? जब हमने गुड्स खरीदे, जब हमने गुड्स खरीदे बेचने के लिए, तो वो एक सेपरेट अकाउंट में शो करते हैं कॉल्ड परचेजेस अकाउंट। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड, दे आर शोन अंडर परचेजेस अकाउंट, दे आर शोन अंडर परचेजेस अकाउंट। तो जिस चीज में आप डील करते हो, जो भी चीज आपने खरीदी बेचने के लिए, वो हो गए गुड्स। बट उनको शो कहां करते हैं? जब हम आगे जाके अकाउंटिंग करेंगे ना, रिकॉर्डिंग जर्नल में, जब रिकॉर्डिंग हो रही होगी जर्नल में, तो उनको कहां शो किया जाएगा? परचेजेस अकाउंट में। परचेजेस दो टाइप के होती हैं, एक कैश परचेजेस और एक क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस क्या होते हैं? व्हेन द पेमेंट इज मेड इमीडिएटली, व्हेन द पेमेंट इज मेड immediately through cash or check, आप cash से दो या check से दो, payment हो गई है तो वो एक cash transaction है। credit purchases क्या होंगी? when the payment for goods purchased is done on a future date, मतलब आपने 14th जून को सामान खरीदा 50,000 का, आपने कहा यार कि पैसे तो अभी नहीं है, मैं आपको पैसे जुलाई में दे दूंगा। आपने सामान कब खरीदा ईशान्या? 14 जून। पेमेंट करी 5th जुलाई, let us assume। तो 14 जून को आपने सामान खरीद लिया 50,000 का, अभी पैसे नहीं दिए, 14 जून को वो ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड होगी कि नहीं होगी? होगी। ईशान्या? यस सर, होगी। शौर्य, आपके हिसाब से? होगी सर। वेदांश? होगी सर। करेक्ट, होगी, क्योंकि सामान तो आ चुका है। बट क्या वो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन? क्रेडिट। क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पेमेंट चाहे जुलाई में हो, 14th को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन की कैटेगरीज में आ जाएगी। अगर 14th को ही सामान खरीदा, इमीडिएटली पेमेंट कर दी, तो वो होती है कैश परचेजेस। तो कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस का मीनिंग सिंपल है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, गुड्स के बाद नेक्स्ट टर्म हमने क्या सीखी? परचेजेस। छोटी छोटी टर्म्स है, बट डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे तो आगे यूज कर पाएंगे। परचेज ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड और फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर गुड्स। तो रॉ मटेरियल खरीदा है वो भी परचेजेस में जाएगा, बने बनाए गुड्स खरीदे हैं बेचने के लिए वो भी परचेजेस में जाएगा। परचेजेस मींस परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल्स फॉर रीसेल और फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। द टर्म परचेजेस इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। अब ध्यान से देखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैंने, रविशा आप दोगे आंसर, अगर मैंने, मेरी स्टेशनरी की दुकान है, तो स्टेशनरी की दुकान में रैक्स तो बनवाने पड़ेंगे, काउंटर तो बनवाना पड़ेगा, तो फर्नीचर परचेज्ड बाय अ स्टेशनरी शॉप for the office for their own use, बेचने के लिए नहीं, for their own use, will be treated
as goods and shown under purchases account and shown under purchases account. Lavisha, is the statement true or false? False. Furniture purchased by a stationery shop for their own use will be treated as goods and shown under purchases. आपने क्या बोला? False. Yes. Correct. क्या होगी इसकी treatment? It should have been for the use of business as for selling. So it will be treated as a non-current asset. वो assets की category में चला जाएगा. Yes. And will be shown under कौन से अकाउंट में शो करेंगे उसको? फर्नीचर का सेपरेट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा. तो जैसे हम बाकी चीजें खरीदते हैं ना, कि मैंने ऑफिस के लिए एयर कंडीशनर खरीदा तो एयर कंडीशनर अकाउंट या ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट, लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदा तो लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स अकाउंट. एसेट्स का अपने नाम से सेपरेट अकाउंट क्रिएट होता है. लेकिन अगर मैं लैपटॉप डीलर हूं तो मैंने लैपटॉप्स खरीदे हैं बेचने के लिए, तो वो मेरे लिए गुड्स हैं. वो कौन से अकाउंट में जाएंगे? वो जाएंगे परचेजेस अकाउंट में. तो परचेजेस अकाउंट कब ओपन होगा, ये बात समझ आ गई? यस सर. कोई भी चीज आपने खरीदी है बेचने के लिए या कोई रॉ मटेरियल खरीदे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो एक टर्म करी हमने गुड्स, एक टर्म करी हमने परचेजेस. अब ध्यान से देखना नेक्स्ट टर्म. Purchases return. Purchases return. मैंने कुछ सामान खरीदा, मेरी स्टेशनरी की दुकान है, मैंने काफी सारे स्टेशनरी आइटम्स खरीदे, बुक्स खरीदे, रजिस्टर्स खरीदे. कुछ बुक्स में प्रिंटिंग एरर्स थे, कुछ बुक्स में प्रिंटिंग एरर्स थे. मैंने सामान वापस कर दिया. किसको? जिससे भी मैंने सामान खरीदा था. मैं स्टेशनरी डीलर हूं तो मैंने जो गुड्स परचेज करे थे वो परचेजेस अकाउंट में आ रहे थे, उसमें से कुछ बुक्स डिफेक्टिव निकली, वो मैंने रिटर्न कर दी सप्लायर को. तो अगर आपने जो सामान खरीदा है वो आप वापस कर रहे हो ड्यू टू व्हाटएवर रीजन, डिफेक्टिव था, नॉट अप टू द सैंपल, आपने कुछ और मांगा था, आया कुछ और, तो वो एक सेपरेट अकाउंट में जाता है. अकाउंट का नाम क्या है? परचेजेस रिटर्न, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेस्ड. गुड्स परचेस्ड मे बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन, से दे आर डिफेक्टिव. Goods so returned are known as purchases return or returns outward. सामान मैंने खरीदा था, पसंद नहीं आया, defected था, whatever may be the reason, मैंने जो सामान वापस करा, जो सामान खरीदा था, purchases, जो goods खरीदे थे वो वापस करे, तो वो एक separate account में show होते हैं. Account का नाम है purchases return. और क्योंकि मैं सामान वापस कर रहा हूँ, मेरे business से वापस जा रहा है, उसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है? Return outward. Purchases return का मीनिंग क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्या था ये? Return of goods purchased for resale. Next, purchases account हो गया, purchase return हो गया. Next, sales. Goods sold are shown under sales account. जिस चीज में आप डील करते हो, जिस चीज में आप डील करते हो, मेरी स्टेशनरी की दुकान थी, तो जब मैंने स्टेशनरी आइटम्स खरीदे वो गुड्स थे, किस अकाउंट में दिखा रहे थे? परचेजेस अकाउंट. जब उनको बेच के, जब उनको बेच के रेवेन्यू जनरेट होगा, तो जो मैं उनको बेच के पैसा आएगा वो कौन से अकाउंट में शो करूंगा? सेल्स अकाउंट. कहां शो करूंगा? सेल्स अकाउंट. तो ध्यान देना है, सेल्स अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ गुड्स की सेल आती है, और जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, जिस चीज में आप डील करते हो. मेरा कोचिंग सेंटर है, मैंने अगर फर्नीचर खरीदा था, 4 साल के बाद अगर वो पुराना हो गया, बेच दिया, तो फर्नीचर बेच के जो अगर 10,000 आए, 20,000 आए, 5,000 आए, इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, जो पैसा आया क्या वो सेल्स अकाउंट में आएगा?
चार साल के बाद मैंने पुराना फर्नीचर अपने ऑफिस का बेचा, उसको बेच के जो पैसा आया क्या वो सेल्स अकाउंट में आएगा? नो सर। गुड, सेल्स अकाउंट में क्या आएगा? जिस चीज में आप डील करते हो। तो अगर मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो ट्यूशन पढ़ा के जो सर्विसेज दे के जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो है सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वो सेल ऑफ सर्विसेज है। मैं स्टेशनरी की दुकान है तो स्टेशनरी बेच के जो पैसे आ रहे हैं वो सेल्स अकाउंट में आएगा। तो सेल्स अकाउंट में जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो आपका मेन बिजनेस है उस। सेल्स भी दो टाइप के होती हैं, एक कैश सेल्स और एक क्रेडिट सेल्स। तो अब मुझे कैश और क्रेडिट का मीनिंग तो समझाने की जरूरत नहीं है। कैश मतलब इमीडिएट पेमेंट हो रही है, क्रेडिट मतलब ट्रांजैक्शन अभी हो गई है, पेमेंट कुछ टाइम बाद हो जाएगी। ध्यान से देखेंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में क्या आता है? सेल ऑफ गुड्स। सेल्स मींस सेल ऑफ गुड्स। द टर्म सेल्स इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। जैसे परचेज रिटर्न होता है वैसे ही सेल्स रिटर्न भी होता है। आपने सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? अब हमारे पास सामान वापस आ रहा है तो उसका नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड्स। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या था? रिटर्न आउटवर्ड्स। मैंने किसी को सामान बेचा, उसको पसंद नहीं आया, डिफेक्टेड था, नॉट अप टू द सैंपल, उसने वो सामान वापस कर दिया, तो मैं अपने अकाउंट्स में क्या दिखाऊंगा? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न का मीनिंग क्लियर है? कुछ जो सामान आपने बेचा था, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर। मैंने वेदांश को कुछ सामान बेचा, वेदांश को पसंद नहीं आया, वेदांश ने वापस कर दिया, मैं अपने अकाउंट्स में क्या दिखाऊंगा? सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड्स। क्या क्या टर्म्स करी? गुड्स, परचेजेस, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। एक और टर्म करेंगे फिर उसके बाद इतना पहले रिवाइज करेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म है काफी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सिमिलर टू सेल्स बट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। सेल्स में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या दिया था? सेल ऑफ गुड्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी। तो जो मैं बोल रहा था ट्यूशन पढ़ा के जो पैसा आ रहा है वो कहां चला जाएगा? आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। हम बुक्स में इसको नेट सेल्स ही मानते हैं। क्या मानते हैं? नेट सेल्स। तो नेट सेल्स क्या होता है? जो भी आपकी सेल्स थी, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स। आपने 50 लाख का सामान बेचा, सेल्स में आ गया, 5 लाख का सामान वापस लोगों ने कर दिया, तो आपकी नेट सेल्स कितनी रही? 45 लाख। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है? जिस चीज में आप डील करते हो, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, कह रहे कैश पे बेचा या क्रेडिट पे बेचा उससे फर्क नहीं पड़ता, फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। कह रहे हम कुछ गुड्स भी सेल करते हैं, कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो सब करके। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस रेवेन्यू अर्न बाय एन एंटरप्राइज, फर्म और अ कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है या कंपनी है उससे फर्क नहीं पड़ता, जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब जो आपका कोर बिजनेस है, बिजनेस एक्टिविटीज से, इट इज नेट ऑफ सेल्स, इट इज नेट ऑफ सेल्स रिटर्न। तो ये बताया ना, नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। एग्जाम्पल्स, नेट सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज और ना फाइनेंशियल एंटरप्राइज, एंड इंटरेस्ट अर्न फॉर फाइनेंशियल एंटरप्राइज। ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मेरी स्टेशनरी की दुकान है, स्टेशनरी को बेच के जो पैसा आया वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है? यस सर। ओके, मेरे बैंक में कुछ एफडी पड़ी हुई है, मेरी स्टेशनरी की दुकान है, ध्यान से सुनना बेटा, मेरी स्टेशनरी की दुकान है, बैंक में कुछ एफडी पड़ी हुई है, 5 लाख की एफडी है, 10% लेट अस अस्यूम उस पे इंटरेस्ट है, तो 50,000 का जो इंटरेस्ट आया, शौर्या, 50,000 का जो मैंने इंटरेस्ट जनरेट करा, क्या
वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है मेरे लिए, स्टेशनरी की दुकान है मेरी। नो सर वो ऑपरेशन वो हुआ कि मतलब जो आप अपने बिजनेस करने से निकाल रहे हो, लाइक अगर आपकी स्टेशनरी की दुकान है तो आप जो स्टेशनरी बेच रहे हो उससे जो आपको रेवेन्यू मिली वो रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन है, तो मतलब वो आपको उससे नहीं मिली है, तो इस पर वो नहीं क्लासिफाई इसके अंदर। वेरी गुड। तो ईशान्या फिर इंटरेस्ट रिसीव कहाँ दिखाऊंगा मैं? इंटरेस्ट रिसीव्ड और अर्न बाय अ नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इट इज ट्रीटेड एज अदर इनकम। कहां शो करते हैं उसको? अदर इनकम में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होता, बिल्कुल सही आंसर दिया सॉरी आपने। बट बैंक्स जो है, बैंक्स का तो काम है लोगों को पैसा देना, लोन्स देना, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का तो काम ही है ये। यस और नो? यस सर। वो जो इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हैं क्या वो उनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का पार्ट होगा? यस सर। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि एग्जांपल नेट सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज फॉर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। तो सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ एंटरप्राइज नॉन फाइनेंशियल के लिए वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, एंड इंटरेस्ट अर्नड किसके लिए है? फॉर फाइनेंशियल एंटरप्राइज। इंटरेस्ट अर्नड किसके लिए है? फाइनेंशियल एंटरप्राइज। नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए इंटरेस्ट अर्नड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं होती। ध्यान से करें, इनकम तो होती है, वो ऑपरेटिंग इनकम नहीं होती, उसको बोलते हैं अदर इनकम, और दूसरा नाम क्या होता है इसका? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, मेरा काम है ट्यूशन पढ़ाना, मैंने स्टॉक मार्केट में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो शेयर्स में प्रॉफिट जनरेट हुआ, डिविडेंड मैंने रिसीव करा, शेयर के प्राइसेस बढ़ गए, मैंने पैसे बेच के प्रॉफिट बुक कर लिया। अरे जितने मर्जी पैसे कमा लो, इनकम में आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं, अदर इनकम की कैटेगरी में आ जाएगा। वो ट्रांजैक्शन तो बुक्स में दिखाई जाएगी अगर आप बिजनेस का पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, बट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में सिर्फ और सिर्फ उतना आएगा जो आपका कोर बिजनेस एक्टिविटी है, उसके अलावा अगर कोई इनकम जनरेट हुई है तो वो कहां शो करेंगे? अदर इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम।